अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्मॉग और धुंध का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो इस सीज़न में शादियाँ बहुत होती हैं, तो एक्सीडेंट्स भी बहुत देखने को आते हैं। अभी हमने रिसेंटली कुछ एक्सीडेंट्स देखे हैं, तो मैंने कहा कि कुछ मैं सेफ्टी टिप्स दूँ। सबसे पहले तो ये कि आप एक कोशिश करें कि कॉन्वॉय में जाएँ, और अगर पॉसिबली ये कमर्शियल जो आपके पैसेंजर्स व्हीकल होती हैं जिसमें आपकी ये बसें वगैरह आती हैं, आप इनको फॉलो करें, और ट्रक्स वगैरह को अगर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इनको आइडिया होता है। और अगर गॉड फॉरबिड आपके आगे कोई नहीं है, तो ये जो येलो लाइन है आप इसको देख के अपना रास्ता जो है मतलब उसको उस पर चल सकते हैं। तो एक यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि आप मतलब बस वगैरह को आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर आपको बस या कोई ट्रक फॉलो ना कर रहा हो, क्योंकि आपकी गाड़ी की ब्रेक बहुत आसानी से और जहाँ लगाना चाहे लग जाती है, बट पीछे जो बस या कोई चीज़ आ रही है ना इस तरह की, उसकी ब्रेक नहीं लगती, वो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा स्मैश हो सकता है, बहुत बुरी हिट हो सकती है। उसके अलावा आपने हैजर्ड्स जो उनसे होते हैं ये वाले, आप इनको ऑन रखें, और आपकी गाड़ी की कोई लाइट है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट कोई लाइट है, आप उसको देखें घर से निकलने से पहले कि वो ख़राब ना हो। और अल्लाह ना करे इस मौसम में अगर टायर पंक्चर हो जाए, तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर लगाएँ, क्योंकि इस मौसम में बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता। और कोशिश करें कि आप 12 एक बजे के बाद ट्रैवल करें हाईवेज़ पे। और मोटरवेज़ की बात करूं, तो मोटरवेज़ तो फॉग की वजह से होते ही बंद हैं नॉर्मली, मतलब ये कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे वो जाके खुल रहे हैं, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होती है। और अगर फॉग इंटेंसिटी बढ़ जाती है अगेन, वो आपको किसी भी इंटरचेंज पर उतार सकते हैं कि सर फॉग ज़्यादा है, आप लोकल हाईवेज़ इस्तेमाल करें। तो आप कोशिश करें कि दोपहर वाले टाइम में ज़्यादा ट्रैवल करें, और स्पीड जो सी अपनी ज़रा स्लो रखें, कॉन्वॉय में चलने की कोशिश करें, फॉग लाइट्स अपनी जो सी है वो आप चालू रखें। और उसके अलावा मोटरवे का एक वो है लिंक है, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर अपने इंटरचेंज देख सकते हैं जिस पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं कि वो रोड ओपन है या क्लोज है। एवरी 4 आवर्स के बाद वो अपडेट होता है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप जिस इंटरचेंज पर जाना चाह रहे हैं वो खुली है या बंद है। तो मैं जा रहा हूँ मुल्तान अपने दोस्त के साथ, और हमें आज कुछ काम है मुल्तान में, जिसकी वजह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। वरना नॉर्मली मैं भी कोशिश करता हूँ कि अवॉइड ही करूँ इस मौसम में ट्रैवल करना, घर में रहें, सेफ रहें। एक बात मैं बताना भूल गया था, इस मौसम में शादियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और इस मौसम में ये जो कमांड आपके गन्ने की ट्रालियाँ होती हैं, ये भी रात में ट्रैवल करती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। सो मेक श्योर जब आप रात में ट्रैवल कर रहे हो कि आपको अगर से अगर कोई लाइट आ रही है, तो आप गाड़ी आहिस्ता कर लें, वो मतलब कमान की ट्राली हो सकती है वो, क्योंकि उन्होंने पूरा रोड आपका जौन सा होता है वो उन्होंने कवर किया होता है। तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और हम सबको खैरियत से अपने मनाजिल पर लेके जाए, और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो हम आ गए थे मुल्तान, और अब तो बहुत प्यारी धूप निकल आई है। अब हमने यहाँ से दोपहर का खाना खाया, और अबू बकर को छोड़ा था मैंने, उसने डॉक्टर को चेक करवाना था। अबू बकर से पूछेंगे क्यों चेक करवाना था, गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है, गाड़ी सर्विस करवानी है, और डाइनर से मैंने कोई जर्सी ली थी वो मैंने वापस करवानी है। सो लेट्स गो। कुदरत का निज़ाम देखें, अब मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया, अल्ट्रा क्लियर हो गया। सो बेसिकली हुआ ये कि हम गांव से आए मुल्तान, और मुल्तान में आकर हमने घर में खाना शाना खाया और फ्रेश हुए। उसके बाद मैंने अबू बकर को ड्रॉप किया डॉक्टर के पास, देन मुझे डाइनर्स जाना था। बाबा मेरे लिए ले आए थे एक जर्सी जो कि डार्क ग्रीन कलर की थी, कलर अच्छा था, लेकिन जिस तरह APS के बच्चे नहीं पहनते उस तरह का कलर था। तो मैंने सोचा कि यार मैं चला जाता हूँ नाइनस पे, जाकर देख लेता हूँ अगर मुझे कोई और चीज़ भी पसंद आती है, और वरना इसको मैं चेंज करवा के कोई अपनी मर्ज़ी की जर्सी ले लूँगा। सो 30% ऑफ चल रहा है डाइनस पे, लिमिटेड सा स्टॉक है, आप लोग ज़रूर जाएँ, ज़रूर कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करें।
तो अबू बकर का मैं बता रहा था कि अबू बकर को ये हुआ कि उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, जिसकी वजह से उसके हेयर में दर्द होता था, बालों में दर्द होता था। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी मतलब सूरज से मिलता है, एक एनर्जी का रिसोर्स है। और अगर आप लोगों का स्लीपिंग पैटर्न इस तरह का है कि आप सुबह देर से उधर उठ रहे हैं, या अगर आपका सन एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल भी, तो ये हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये कहना है कि आप सूरज की रोशनी मतलब जो सी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन सर्दियों में हमें ज़रूर सूरज के सामने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लाजमी बैठना चाहिए। इट डजेंट मैटर्स कि आप 9 से 10 वाली में बैठें, 10 से 12 वाली बैठें, बट द थिंग इज़ कि आप बैठें ज़रूर। तो इसके साथ साथ जो है नमाज का वक्त हो गया, तो आप भी नमाज़ पढ़ें और मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।